बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू तो माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट के अंदर एच टी एम एल को किस तरह से यूज कर सकते हैं एस टी एम एल के टैग्स होते हैं ना वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बहुत सिंपल और आसान प्रोग्राम हमारे पास है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग किस तरह से एक्सटर्नल जो है जावा सॉरी यूज़ करते हैं तो मैं इसको खत्म करता हूँ अभी हम लोग हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कोई बहुत बड़ी अभी फाइल ही बना रहे हैं अभी जब हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग जस्ट जो है इसी के अंदर हम लोग जो है इसको यूज़ कर लेते हैं अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसके बाद मैं डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोर्ड के अंदर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आई एम आर आई एम आर स्टूडेंट आई एम आर स्टूडेंट लिखूँ मैं उसके बाद लास्ट में आपको एक मैं बात बता दूँ सेमी कॉलम की जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप अगर, अगर आप लोग सेमी कॉलम नहीं भी लिखते ना तो भी काम चल जाता है भी कोई इशू नहीं होता तब मैं इसको जो है ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ अगर आप लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर नहीं लिखेंगे तब भी आपका जो है प्रोग्राम जो है चल जाएगा हमारे पास आ गया आई एम आर स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ इसी को जो है कंट्रोल डी करता हूँ तो हमारे पास डबल, जो है डबल आ जाएगा यहाँ पर मैं लिख दूँ आई एम आर प्रोग्रामर मैं इसको साथ में ये लिख दूँ आई एम आर प्रोग्रामर कंट्रोल ऐसा सेव करता हूँ तो क्या होगा कि हमारे पास जो है जो है एक ही लाइन में दोनों आ गए जबकि हम लोगों ने दो लाइनें यूज की अब इसको हम लोग जै एसटीमल टैग के थ्रू इनको ब्रेक कर सकते हैं एस टैग का ब्रेक करने के हमारे पास क्या टैग होता है बी आर बी आर सी का होता है लाइन ब्रेक कर देता है जैसे ही मैं सेव करूंगा तो हमारे पास जो है वो ब्रेक होगी अब ब्रेक होगी अगर हम लोग फर्दर इसको जो है इस स्टूडेंट को अगर मैं बी से बोल्ड करूँ बी का टैग जो होता है हमारे पास बोल्ड होता है हम लोग बेसिक टैग जो है वो वो हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत अन मैं इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर सारे के सारे टैग एस टीम एल के जो है रिवाइज़ करा दूंगा हमारे पास ये आ गया जब मैंने लिखा बेसिक टैग लिखा तो हमारे पास ये बोल्ड आ गया लेकिन इसने बिलाल प्रोग्रामर को भी बोल्ड कर दिया ये क्यों किया समटाइम ऐसे एरर आ जाते हैं कि जब आप लोग एक चीज़ को करना चाहते हैं बट वो आगे वाली भी चीज़ हो जाती है वो क्यों होती है क्योंकि हमने इसको बंद नहीं किया हम लोग इसको बंद करने का क्या करेंगे हम लोग लो स्लैश लगा देंगे कंट्रोल ऐसा सेव करेंगे अब देखेंगे तो हमारे पास जस्ट जो स्टूडेंट है वो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट जो है वो बोल्ड हो गया उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक टैग होता है इटैलिक का हम लोग जो है आई से आई से लिखेंगे टैग को और उसके बाद जो है हमारे पास बेसिकली ये होता है फ़ॉन्ट को ये चेंज कर देगा कंट्रोल से सेव करूँगा मैं अब जाके चेक करूँगा तो हमारे पास ये देख सकते हैं हमारे पास जो है वो चेंज हो गया अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जस्ट इसको जो है यहाँ से कंट्रोल सी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर प्रोग्रामर की जगह पे इसको लगा देता हूँ कंट्रोल सेव करता हूँ अब मैं देखता हूँ तो हमारे पास ये आ गया आई एम ए प्रोग्रामर जैसे हमारे पास प्रोग्रामर जो है वो टेलिक हो गया उस तरह हम इस तरह से हम लोग जो है डिफरेंट टैक्स जो है एस के अपनी जावा के अंदर यूज़ कर सकते हैं आई होप सो कि आपको आज कल अच्छा समझ आ गया होगा तो अपना ख्याल रख सौ हमें याद रखें अल्लाह हाफिज़